तो जैसे कि आपने शुरुआत में इसका बूट एनिमेशन देखा, बहुत ही कूल लगता है। सिर्फ यही पे ख़त्म नहीं होता, इस थीम का जो लॉक स्क्रीन है ये भी आपको काफ़ी पसंद आएगा। इस प्रकार से डायनेमिक इफेक्ट है, एनिमेशन है जिसके ऊपर आप टैप करो तो स्टार बनता है। इस तरह का एक थीम मैंने आपको पहले दिखाया था और उसका ओनर भी सेम ही है, तो इस प्रकार से ही है आपको दिख रहा है। इधर आपको फ्लैश नज़र आएगा जो आप डबल टैप करके यूज़ कर सकते हैं। इधर आपको चार्जिंग एनिमेशन भी शो करता है जो मुझे काफ़ी बढ़िया बात लगा, इस प्रकार से आपको नज़र आएगा। एक चीज़ मैं आपको पहले बोलना चाहूँगा, अगर आपका जो फ़ोन है Xiaomi का या फिर जो फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो इस थीम के लिए, वो फ़ोन थोड़ा जो है प्रोसेसर उसका अच्छा होना चाहिए, वरना जो है आपका ये थीम लैग कर सकता है, क्योंकि इस थीम को आपको बहुत सारे पावर की ज़रूरत होता है। तो इस प्रकार से आपको दिख रहा है लॉक स्क्रीन, स्वाइप टू अनलॉक है। जैसे ही आप अनलॉक करोगे तो आपको इधर लॉक स्क्रीन अलग टाइप का दिखेगा। ये भी बहुत ही खूबसूरत है, चेंजेस है डायनेमिक में आपको नजर आएगा। इस प्रकार से एनिमेशन वगैरह है, देखिए इस प्रकार से रॉकेट वगैरह जाता है। तो इतना ढांसू है इसका क्लॉक विजेट, मैं आपको क्या बताऊँ कि होम स्क्रीन में इस प्रकार से क्लॉक विजेट देखना बहुत ही रेयरली होता है। और आइकॉन्स पैक देखोगे कि आपको चेंजेस नज़र आएगा, आइकॉन्स पैक कुछ इस तरह का। इसका कंट्रोल सेंटर भी मुझे बहुत ही पसंद है, इस टाइप का आपको दिखेगा, चेंज हो जाता है। सेटिंग यूआई की बात करें तो सिंपल है, सेटिंग यूआई में कोई भी चेंजेस नहीं है। स्टेटस बार में जो आइकॉन से ये भी सिंपल टाइप का है। वॉल्यूम बार्स की बात करें तो आप देखोगे कि चेंजेस है वॉल्यूम बार्स में। इधर आपको थोड़ा ड्रैगन जैसा दिख रहा है, जी हाँ ड्रैगन तो नहीं, शायद ये बैट है कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा इधर आइकॉन्स में, जो आप जैसे चेकआउट कर ही सकते हो। नाम है आपको थीम स्टोर में सर्च करना होगा, इसका नाम जैसा इसका जो इंटरफेस है प्लैनेट V12 सेम टू सेम ही लिखिएगा तो आपको पहले ही ऑप्शन में दिखेगा। फ्री थीम है, 27.7 MB का है, इसके ओनर है। इस थीम को आप किसी भी Xiaomi Redmi या फिर पोको फोन में फ्रीली डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो, और अप्लाई कर देने के बाद एक बार रीबूट कर दीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह से अप्लाई हो जाए, और इसी बहाने आपको एक बार बूट एनिमेशन भी देखने को मिल जाएगा ए ऑफ द टाइम, मतलब कि स्विच जब ऑफ करोगे या फिर रीबूट बनना करोगे तो इसका जो बूट एनिमेशन है वो अलग होता है।